नमस्कार। ब्रेन मुंबई महानगर पालिका द्वारा संचालित ऑनलाइन एजुकेशन में मैं प्रीति गजानन गुटंगे न्यू वर्सोवा मनपा हिंदी शाला से आप सभी अधिकारीगण, शिक्षक वर्ग और विद्यार्थियों को नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आओ बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 विषय भूगोल का पार्ट 9 ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे और आप सभी बच्चों के साथ इस पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और मेरी चर्चा में सहभागी होंगे। ठीक है, ओके। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम कक्षा 6 विषय भूगोल भूगोल पार्ट 9 पार्ट है ऊर्जा संसाधन। आप जानते हैं बच्चों, ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा का अर्थ होता है जैसे हम व्रत और उपवास करते हैं, किसी किसी दिन हम लोग खाना नहीं खाते हैं व्रत में उपवास में, और बहुत देर के बाद हमारे शरीर में अशक्ति आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, उसके बाद हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में फिर से शक्ति आ जाती है, तो इसी शक्ति को कहते हैं ऊर्जा। विज्ञान की भाषा में ये ऊर्जा कहलाती है। इसी ऊर्जा संसाधन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस चित्र में आप लोगों को एक छोटी बच्ची पढ़ाई करती हुई दिख रही है और उसने ये आप लोग उसने ये उजाले के लिए ये क्या जला रखा है? देखो, इस छोटी सी बच्ची ने प्रकाश हासिल करने के लिए किस ऊर्जा साधन का उपयोग किया है? इस ऊर्जा उपकरण में प्रकाश कहाँ से आया? आप लोग बता सकते हैं इसका उत्तर? इसके बाद मैं आपको एक दूसरा चित्र दिखाती हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति पेट्रोल पंप में कार में पेट्रोल भर रहा है, पेट्रोल डाल रहा है। हाँ, ये पेट्रोल डाल रहा है। तस्वीर में आदमी कार में ईंधन भर रहा है। पंप में यह ऊर्जा, ये ऊर्जा जो है पेट्रोल, ये कहाँ से लाया जाता होगा? उसके बाद एक तीसरा चित्र है, देखो ये पवन चक्की, सॉरी ये कागज की फिरकी है जो कागज से बनाते हैं, आप
लोग बनाते हैं ना ऐसी फिरकी अपनी तो क्लास में, ये ये फिरकी कागज की बनी हुई है, ये कैसे चलती है? हवा से चलती है ना। उसके बाद यहाँ पर खेत में जब अनाज पक के तैयार हो जाता है और उस पके हुए अनाज में बहुत सारा कचरा होता है, उस कचरे को उस अनाज से अलग करने के लिए ऊंचाई से अनाज गिराया जाता है और हवा द्वारा उसमें जितना कचरा होता है वो उड़ उड़ के दूसरी जगह जमा हो जाता है। यहाँ देखो ये औरत ऊंचाई से अनाज गिरा रही है और कचरा यहाँ दूर उड़ उड़ के जमा हो जा रहा है। इसके बाद आप लोगों को वड़ा पाव तो बहुत पसंद होगा, सारे बच्चे खाते हैं। मुंह में पानी आया ना और भूख भी लग गई। नया साल है, नए साल की शुरुआत सारे बच्चे कुछ अच्छा और मन पसंद खा पी के करेंगे। तो मैं भी एक सवाल पूछती हूँ इस बात पर। देखो यहाँ पर एक व्यक्ति बहुत बड़ी कढ़ाई में गरम गरम वड़े तल रहा है और उस गरम गरम कढ़ाई के पास में एक सिलेंडर रखा हुआ है। सिलेंडर के ऊपर लिखा है एलपीजी। एलपीजी एक तरह की गैस होती है, ठीक है? ये गैस कहाँ से मिलती है? सिलेंडर में गैस कौन भरता है? इसके बाद यहाँ पर देखो एक ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा के ऊपर लिखा है सीएनजी। सीएनजी का मतलब है ये गैस से चलने वाली ऑटो रिक्शा है। इसमें सिलेंडर होता है सीट के पीछे, उस गैस की सहायता से ये ऑटो रिक्शा चलती है। तो उसमें ये गैस कहाँ से आती होगी? सोचो। उसके बाद उस वड़ा पाव वाले जो ठेले वाले के पास में उजाले के लिए, प्रकाश के लिए एक छोटा सा सिलेंडर है और उसमें ऊपर लाइट चालू है। उस लाइट को जलाने के लिए इस सिलेंडर में से लाल रंग का जो देख रहे हैं आप लोग, इस सिलेंडर में से गैस निकलती है। तो ये गैस कहाँ से आती होगी? चलो इन्हीं बातों की चर्चा हम लोग आज के पाठ में करेंगे। ये क्या, ये तो क्या दिख रहा है आप लोग को इस चित्र में? वाह कितना सुंदर सूर्य चमक रहा है और ये पेड़ पौधे जो बड़े बड़े पेड़ है और जंगल है, जंगल में से सूर्य चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, सुनहरी धूप दिखाई दे रही है। आप लोग देख के बताइए कि मनुष्य किस उद्देश्य के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। हम सबको सूर्य की आवश्यकता होती है, उसी तरह से सारे सजीव जगत को, सारे वनस्पति जगत को, जीव जंतुओं को सूर्य प्रकाश चाहिए। क्योंकि जो वनस्पतियां हैं वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके भोजन बनाती है और वो फलती फूलती है, और बहुत सारे जीव जंतु वनस्पति पेड़ पौधों को खाते हैं, और हम भी सब्जियां फल अनाज फसल वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं। अर्थात हम भी तो सूर्य प्रकाश की सहायता से हमारा जीवन चलता है। अगर हम भी सूर्य प्रकाश के ऊपर निर्भर होते हैं, है ना? इसके बाद सूर्य प्रकाश का उपयोग और कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं, चलो इस पाठ में और चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है? उपरोक्त तो ऊर्जा स्रोतों में से किसमें से धन खर्च करने की आवश्यकता होती है? जैसे ये व्यक्ति आप लोग देख सकते हैं, ये कार में पेट्रोल भर रहा है। कार में पेट्रोल भरते समय हमें उसे पैसे देने पड़ते हैं, रकम उसकी चुकानी पड़ती है, चुकानी पड़ती है ना बच्चों, है ना? जब हम सिलेंडर खरीदते हैं अपने रसोई घर में खाना पकाने के लिए, तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है? उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं सिलेंडर के लिए। अच्छा अब बताओ यहाँ पर ये चित्र आपको दिख रहे हैं, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन से निशुल्क मिलते हैं? निशुल्क मतलब फ्री में, मुफ्त में। यहाँ पर सबसे पहला चित्र गोबर गैस प्लांट का है। गोबर गैस प्लांट में गोबर कूड़े कचरे से निकलने वाली गैस से विद्युत निर्माण की जाती है। ये दूसरा चित्र पवन चक्की का है। ये हवा की जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग करके विद्युत निर्माण की जाती है, इसे पवन चक्की कहते हैं। और ये जो तीसरा चित्र आपको दिख रहा है ये सोलार एनर्जी है। सूर्य की जो ऊर्जा होती है, सूर्य की गर्मी होती है,
सूर्य की ऊर्जा का रूपांतरण बिजली बनाने में किया जाता है और उस बिजली का उपयोग वाटर हीटर, सोलार कुकर, सोलार वाटर हीटर का बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो निशुल्क होता है। बायोगैस में गोबर लगता है, कूड़े कचरे लगते हैं, हवा और सूर्य, ये तो निशुल्क है, ये तो मुफ्त होती है ना। इसके बाद इस चित्र में देखो, आप लोगों को दिखाई देगा एक किसान है, वो क्या कर रहा है, वो बैलों की सहायता से अपना खेत जोत रहा है। खेत जोतने के लिए वो जानवरों का उपयोग कर रहा है ना। पुराने समय में सबके पास, जितने भी किसान थे, सबके पास इस तरह के बैलों की जोड़ियां होती थी और वो बैलों की सहायता से अपने खेतों को जोतता था, बैलों से परिश्रम करवाता था। लेकिन पुराने समय में मानव श्रम और जानवरों का इस्तेमाल कई उद्देश्यों के लिए किए जाते थे, जैसे कुएं से पानी निकालना है या जो अनाज से तेल निकालने का कुआ होता था, उसके लिए भी कोल्हू के बैलों का उपयोग किया जाता था। धीरे धीरे इंसानों की जरूरतें बढ़ती गई, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई उसकी जरूरतें बढ़ती गई, ऊर्जा स्रोतों और संसाधनों के इस्तेमाल में कई बदलाव आए और जिनसे ऊर्जा मिलती थी उनके साधन का और उनके इस्तेमाल में भी समय समय पर तरह तरह के बदलाव आते गए। हम अन्य स्रोतों के अलावा पेट्रोल, हवा, प्राकृतिक गैस, सूर्य की रोशनी आदि का इस्तेमाल करने लगे। पहले तो सिर्फ लकड़ियां जलाकर और घास लेट जलाकर, मिट्टी का तेल जलाकर ऊर्जा निर्माण की जाती थी, ईंधनों के रूप में इनका उपयोग किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, जरूरतें बढ़ती गई, इनके अलावा पेट्रोल, हवा और प्राकृतिक गैस जो जमीन में से निकलती है, जैसे घासलेट और खनिज तेल निकलते हैं, उसी तरह से प्राकृतिक गैस भी जमीन में से निकलती है। सूर्य की रोशनी का उपयोग करके जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ सूर्य की रोशनी तो होती है, ये सब जगह पूरी पृथ्वी पर होती है और वो आसानी से उपलब्ध होती है। इसलिए सूर्य की रोशनी का उपयोग करके ऊर्जा संसाधन बनाए गए, जैसे मैंने बताया सोलार वाटर हीटर, सोलार ट्यूब, सोलार लाइट, इस तरह की लाइट बनाई गई। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि खेत जोतने के लिए पहले किसान बैलों का उपयोग करता था, जानवरों का करता था, लेकिन अब वह ट्रैक्टर का उपयोग करता है। आप जब अपने गांव जाते हैं तो इस तरह का ट्रैक्टर देखते हैं किसानों के पास ना, बड़े बड़े खेतों में। तो ये जो ट्रैक्टर है ये मशीनों से चलते हैं, मतलब पेट्रोल डालने, डीजल डालने से ये मशीन चलती है, ट्रैक्टर की मोटर चलती है और बहुत बड़े बड़े खेत भी आसानी से कम परिश्रम में जुट जाते हैं, तैयार हो जाते हैं फसल उगाने के लिए। तो इन साधनों का उपयोग करके किसान का काम आसान हो जाता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे ऊर्जा संसाधनों का अनेक प्रकार से वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब अनेक प्रकार में इसे बांटा गया है, उनमें प्रमुख तरह पारंपरिक, अपारंपरिक। पारंपरिक का अर्थ होता है जो परंपरा से, पुराने समय से जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे मिट्टी का तेल, घासलेट, लकड़ी से बने कोयले। और अपारंपरिक का अर्थ होता है सूर्य की रोशनी का उपयोग करना, बहते हुए पानी को रोककर बांध बनाकर पानी से विद्युत निर्माण करना, और रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके विद्युत निर्माण करना। उसके बाद है जैविक और अजैविक। जैविक का अर्थ होता है जैसे पत्थर के कोयले जैविक, अजैविक रासायनिक पदार्थ, और पवन ऊर्जा अजैविक जिसमें कोई भी जीव का उपयोग नहीं होता। जैविक का अर्थ होता है कि पुराने समय में पेड़ पौधे, जीव जंतु और उनके अवशेष किसी जल थल के भूकंप में या महासागरों में जब महाचक्रवात चलते हैं तो दब जाते हैं और महाचट्टानों के बीच में वो कई सालों, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक दबे रहते हैं और दबाव
के कारण उनमें रासायनिक क्रिया होती है और वो खनिज तेल और पत्थर के कोयले और प्राकृतिक गैस की तरह में रूपांतरित हो जाते हैं। इसके बाद है नवीकरणीय। नवीकरणीय ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जिनका नवीनीकरण हो सकता है, जैसे कि बहता हुआ पानी। बहता हुआ पानी को रोककर बांध बनाकर ऊंचाई से पानी गिराकर टर्बाइनें चलाई जाती हैं और उन टर्बाइनों से विद्युत निर्माण की जाती है। और उसके बाद है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का अर्थ होता है जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता है, जिनको फिर से उत्पादन नहीं किया जा सकता, जैसे पत्थर के कोयले, खनिज तेल और पेट्रोल डीजल इस तरह के। इन पदार्थों पर आधारित और प्रक्रियाओं पर आधारित आदि का समावेश होता है। हम पदार्थों पर आधारित और प्रक्रियाओं पर आधारित वर्गीकरण का विचार करेंगे। देखो यहाँ पर पदार्थों पर आधारित ऊर्जा संसाधनों का चित्र दिया है। इस व्यक्ति के हाथ में काला काला आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है? ये कोयले हैं, कोयले। उसके बाद यहाँ पर दूसरे चित्र में लकड़ियों से आग जलाई गई है और उस पर कुछ पकाया जा रहा है। ये पदार्थों पर आधारित है, उदाहरण लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कूड़ा। कूड़ा मतलब कचरा जो हम फेंक देते हैं, सड़ी गली सब्जियां, सड़े गले अन्न पदार्थ, उनको कहा जाता है कूड़ा। प्राकृतिक गैस जो जमीन के अंदर से निकलती है गैसें, और उनका उपयोग ऊर्जा संसाधन के रूप में कर सकते हैं। खनिज तेल जमीन से निकलने वाले तेल को कहा जाता है खनिज तेल। उसी को ही रूपांतरित करके, उसी को रिफाइंड करके घासलेट, पेट्रोल, डीजल इस तरह के पदार्थ बनाए जाते हैं। पदार्थ का एक बार उपयोग करने पर वह समाप्त हो जाता है। ये पदार्थ एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, इसलिए ये पदार्थ को स्थायी रूप में नहीं रहते हैं, पुनः उपयोग संभव नहीं। एक बार अगर कोयला जल गया तो वो फिर से कोयला नहीं बनता, वो राख हो जाता है। उसी तरह से अगर लकड़ी जलाने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं, एक बार वो जल गई तो वो राख हो जाती है, वो फिर से लकड़ी नहीं बनती। इसलिए इनकी उपलब्धता सीमित होती है, इसे भरने में हजारों साल लग जाते हैं, मतलब इनकी कमी को पूरा करने के लिए हजारों साल लगेंगे। बहुत तुरंत के तुरंत ये फिर से इनका उत्पादन मानव नहीं कर पाता है, इसीलिए ये पदार्थों पर आधारित है। इसके अलावा देखो बड़ी बड़ी चिमनियों से निकलता हुआ आप लोग धुआं देख सकते हैं। ये चिमनी कौन सी है, क्या है? ये परमाणु विद्युत प्लांट है, परमाणु विद्युत योजनाएं हैं। इसमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके विद्युत निर्माण किया जाता है। परमाणु ऊर्जा को छोड़कर अन्य सभी स्रोत बायोटिक हैं, मतलब जैविक हैं। ऊर्जा उत्पादन प्रदूषण का कारण बनता है। इस तरह की जब हम ऊर्जा का निर्माण करते हैं तो प्रदूषण बहुत मात्रा में होता है। आप लोग देख सकते हैं इस चित्र में धुआं निकल रहा है और वो वातावरण में हवा में मिक्स हो जा रहा है। ऊर्जा उत्पादन अपेक्षाकृत सस्ता है, बहुत कम रासायनिक पदार्थों से बहुत अधिक मात्रा में विद्युत निर्माण होता है। इस तरह के ऊर्जा निर्माण विधि से भड़काऊ प्रकृति के कारण ये स्रोत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने के कारण ये जो रसायन है, इनसे निकलने वाले जो धुएं, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, हवा प्रदूषित हो जाती है। इसके अलावा विद्युत उत्पादन का प्रकार, जो विद्युत उत्पादन होता है इस प्रकार के रसायनों से, ये ताप विद्युत और परमाणु विद्युत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? ताप विद्युत और परमाणु विद्युत। यहां पर देखो ये है थर्मल पावर प्लांट का चित्र यहां पर दिया गया है। हम निम्नलिखित प्रकार की बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, हाइड्रिल पावर, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, जियोथर्मल ऊर्जा आदि। यहाँ अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट आप लोग देख सकते हैं। ये पहला चित्र है थर्मल पावर प्लांट का, दूसरा है
स्टीम थर्मल, और तीसरा है जियो थर्मल पावर प्लांट। विद्युत उत्पादन के लिए थर्मल पावर स्टेशनों में प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोतों को जलाना पड़ता है। जितने भी थर्मल पावर प्लांट है इसमें प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोतों को जलाना पड़ता है, चाहे वो कोयला हो या गर्म पानी हो, उसको जलाना, पत्थर का कोयला, लकड़ी के कोयले को जलाकर उसे भाप निर्माण की जाती है, उससे विद्युत का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद है गतिज ऊर्जा का उपयोग बिजली या बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। बहते हुए पानी को रोककर बांध बनाकर उस पानी को ऊंचाई से निचाई नीचे टर्बाइनों पर छोड़ा जाता है, वो टर्बाइनें तेजी से घूमती है और उसका निर्माण, उससे विद्युत निर्माण होता है, और वही विद्युत हमारे घर घर में आती है। उससे हमारे घर में पंखे, ट्यूबलाइट, फ्रिज, टेलीविजन, ये सारी चीजें चलती हैं। और इसके बाद देखो यहाँ पर इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं, लकड़ी जलाकर उसपे आग जलाई गई है और बड़े बड़े बर्तनों पर उसमें कुछ पकाया जा रहा है। गांव में इस तरह के ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इस नीचे की तरफ देखो, गैस है, गैस के ऊपर एक बर्तन में पानी उबल रहा है। इस तरह के गैस हमारे घर में होते हैं और रसोई के लिए हम लोग इस तरह के प्राकृतिक गैसों का उपयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरे बीच वाले चित्र में देखो, ये एक फैक्ट्री का चित्र है। यहाँ पर लोहार ने लोहे के कुछ छड़ों को, लोहे की किसी वस्तु को गर्म किया है और वो जल के एकदम लाल दिखाई दे रहा है और हथौड़े से पीट पीट कर वो उसे आकार दे रहा है। इसे धातुओं को पीट कर दूसरी धातुओं का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर तीसरे चित्र में, अंतिम चित्र में देखो, बिस्किट बनाई जा रही है भट्टियों में। ये भी बिस्किट बनाने की फैक्ट्रियां हैं। बिस्किट बनाने की फैक्ट्रियों में इस तरह से ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके खाने पीने की वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्या आपको मालूम है, मनुष्य की बढ़ती जरूरत के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पृथ्वी पर लोग बढ़ते जा रहे हैं। जब लोग बढ़ेंगे तो उनकी जरूरतें बढ़ेंगी, उनको उतना भोजन चाहिए, उनकी उनके लिए उतनी सारी वस्तुओं का निर्माण करना पड़ेगा, बड़े बड़े कारखानों में उनको लगने वाली वस्तुओं का निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि मनुष्य की बढ़ती जरूरतों के कारण ऊर्जा के मांग लगातार बढ़ती जा रही है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा हमारे लिए आसानी से उपलब्ध है। सौर ऊर्जा जो सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर सूर्य, सूर्य सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। पवन ऊर्जा, हवा, पवन का अर्थ होता है हवा। हवा की ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत बनाने में किया जाता है और ये हमारे लिए आसानी से उपलब्ध होती है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के हर हर क्षेत्र पर होता है, सूर्य प्रकाश और हवा दोनों। लेकिन इन स्रोतों का उपयोग कर उत्पन्न बिजली को पर्याप्त मात्रा में संग्रहित मतलब इकट्ठा करना, जमा करके रखना चाहिए, ताकि निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इन साधनों का उपयोग करके जब हम बिजली को इकट्ठा करके रख सकते हैं, संग्रहित करके रख सकते हैं, तो ही हम सुनिश्चित रूप से हम इसका उपयोग आसानी से कर सकेंगे। वर्तमान में इस ऊर्जा को स्टोर करना काफी महंगा है। वर्तमान में मतलब अभी के समय में इस ऊर्जा को स्टोर करना, जमा करके रखना काफी महंगा पड़ रहा है। शोध के माध्यम से ये संसाधन सस्ते में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के शोध चालू है, वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं ऐसे संसाधनों का उपयोग करके सस्ते कम समय में, जिसमें कम से कम पैसे लगे और ज्यादा से ज्यादा बिजली का निर्माण हो सके, ये शोध किया जा रहा है। वैज्ञानिक इस काम में निरंतर लगे हुए हैं। अच्छा, ये चित्र तो आप लोग अपने गांव में देखते ही होंगे। यहाँ पर एक औरत चूल्हा जलाए हुए है और रसोई घर में खाना पकाने बैठी है। आप सब लोग गांव में जाते हैं और इस तरह के
चूल्हे पर खाना बना के उस भोजन का आनंद लेते हैं। लकड़ी, गांव देहातों में चूल्हे पर रसोई बनाने के लिए लकड़ी का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। घर घर में आसानी से इस चूल्हे को जलाकर भोजन पकाया जाता है, ठीक है। और ये क्या, इस आदमी के हाथ में पत्थर का कोयला है। प्राचीन काल में भूगर्भीय हलचलों के कारण, भूगर्भीय मतलब जमीन के बहुत नीचे, बहुत तरह के हलचल हुई। हलचल हुई मतलब अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों में, रासायनिक क्रिया में रासायनिक जो अवशेष है उनका रूपांतरण होता गया। प्राचीन काल में भूगर्भीय हलचलों के कारण पौधों और जानवरों के अवशेष मिट्टी में दफन हो गए, मिट्टी में दब गए। जैसे कई क्षेत्र में भूकंप आए होंगे, या बाढ़ आई होगी, या चक्रवात आए होंगे, जिसके कारण उनके अवशेष मतलब वो मिट्टी में दब गए होंगे। और दबाव और गर्मी के कारण उनके अंदर जो तत्व होते हैं उनका विघटन हुआ होगा। विघटन मतलब रासायनिक क्रिया हुई होगी और केवल कार्बन पदार्थ बच गए होंगे। उनमें से जो कार्बन होता है वही बचा रह जाता है, बाकी जितने भी तत्व होते हैं वो विलीन हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, उनका रूप बदल जाता है। इससे कोयला बनाया गया, कार्बन से ही कोयला बना बनाया गया है। इसके बाद ये क्या आप लोग देख रहे हैं, वाह कितना सुंदर चित्र है, ये तो समुद्र दिखाई दे रहा है। आप लोग इस तरह का समुद्र देखते हैं ना, चौपाटी पर जाते हैं तो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, और इसके बीचों बीच ये क्या दिख रहा है, ये तो नाव नहीं है और स्टीमर भी नहीं है, ये तो क्रेन जैसा दिख रहा है। हाँ मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये समुद्र की जो तल है, समुद्र के अंदर एक जमीन होती है, नीचे तलहटी होती है, जैसे आपके घर में बाल्टी में आप लोग पानी भरते हो तो उसका एक तल होता है, उसी तरह से समुद्र के नीचे भी एक तल है, तलहटी है। उस तल में जमीन है, जमीन के भी बहुत नीचे तेल होता है, खनिज तेल या प्राकृतिक गैस। उसको निकालने के लिए समुद्र में इस तरह के प्लांट लगाए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, प्लांट लगाए जाते हैं। ऐसा ही बोल रहा है। ये उस पावर प्लांट का चित्र है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस कोयले की तरह भूगर्भीय हलचलों से इन उत्पादों का उत्पादन किया गया। खनिज तेल भी भूस्तर, भूस्तर मतलब जमीन के नीचे और समुद्र के नीचे पाए जाते हैं, तो उस समुद्र के बीचों बीच इस तरह का पावर प्लांट बनाया जाता है और जमीन के नीचे के तेल को या खनिज तेल को, प्राकृतिक गैस को निकाला जाता है। यहाँ पर एक और चित्र है आप लोगों के लिए, ये कौन सा चित्र है, ये बायोगैस प्लांट है। बायोगैस प्लांट क्या होता है, चलो मैं आप सभी को समझाती हूँ। ये कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, गोल गोल टंकी है। इसके अंदर प्राणियों के मलमूत्र, प्राणियों के मलमूत्र मतलब गाय भैंस बकरी जो गोबर और लिंडिया निकाल देती हैं, सारे गांव के लोग उसे इकट्ठा करके इस बायोगैस प्लांट में दे देते हैं। इन प्राणियों के मलमूत्र और जैविक कूड़े, जैविक कूड़े का मतलब है खरपात पत्ते छिलके जो हम घरों में उपयोग करते हैं, सब्जी भाजी के छिलके और सड़ी गली सब्जियां, सड़े गले अनाज, भोजन पदार्थों, उनका यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, उनका उपयोग करके विद्युत निर्माण की जाती है। आप सोच रहे होंगे छी इतनी गंदी चीज से जब विद्युत बनती होगी तो उसमें तो बहुत बदबू आती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही साफ सुथरे ढंग से विद्युत निर्माण करने का कम खर्चीला सस्ता साधन है, जो गांव के लोग आसानी से इस खर्च का वो नहीं करके इसे मैं खर्च करके इसका उपयोग कर सकते हैं। बिजली कोई गोबर वोबर से बत्ती प्राणियों के बोल मलमूत्र और जैविक कूड़े खरपात पत्ते रही के आदि का उपयोग करके थी बायोगैस करके उसका गोबर का उत्पादन निकाल किया जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग रसोई गैस, सिलेंडर इससे जो गैस निर्माण होती है उसका उपयोग आप लोग रसोई बनाने में कर सकते हैं।
उसमें किसी भी तरह की गंदी बदबू नहीं आती। पानी लिखाएगी का उपयोग के पानी गर्म करते हैं, बत्ती जलाते हैं, बत्ती मतलब लाइट, ट्यूबलाइट वगैरह बल्ब, बिजली के बल्ब जलाए जाते हैं। कुछ किसानों ने अपने घरों के परिसर में बायोगैस परियोजनाएं स्थापित की हैं और इससे उनके घर की ऊर्जा जरूरतों में मदद मिलती है। उनके घर में जो बिजली के उपकरण चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है वो इस पावर प्लांट से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कितना अच्छा लगा आपको, अच्छा लगा ना ये सुन के, ये जानने मिला आप लोगों को कि बायोगैस हमारे लिए कितना उपयोगी, अच्छा और सस्ता साधन है ऊर्जा निर्माण के लिए। चलो इसके बाद क्या है देखते हैं। इसके बाद इस गैस का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इस गैस का उपयोग हम लोग विद्युत निर्माण के लिए कर सकते हैं और ये बिजली निर्माण करने वाला प्लांट है, बड़ी विद्युत निर्माण परियोजना है, उसका चित्र यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इस गैस का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। कूड़े से ऊर्जा, बड़े शहरों और महानगरों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कूड़ा उत्पन्न होता है। हम लोग बहुत बड़े महानगर में रहते हैं, मुंबई महानगर में रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, ज्यादा बहुत बड़ी संख्या में लोग रहने के कारण बड़ी मात्रा में कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है। इन महानगरों में कूड़े का निपटारा करना बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के कूड़े का वर्गीकरण करना मतलब उसे अलग किया जाता है, अलग करके उसमें से जैविक कूड़े का उपयोग गैस उत्पादन के लिए किया जाता है। जैविक कूड़ा मतलब सड़ी गली सब्जियां, सड़े गले अनाज, उनको कहा जाता है जैविक कूड़े। इसके बाद इस गैस का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। जो गैस बनती है उससे उससे बिजली बनाई जाती है। इसके बाद एक और पावर प्लांट का चित्र आप लोग देख सकते हैं, यह है परमाणु ऊर्जा पावर प्लांट। परमाणु एक तरह का रसायन होता है। इस रसायन का नाम है यूरेनियम और थोरियम। इन रसायनों का उपयोग करके विद्युत निर्माण की जाती है। यूरेनियम थोरियम जैसे परमाणुओं के विभाजन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में खनिजों की बहुत कम मात्रा का उपयोग करके बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान जैसे दुनिया के कुछ देश परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। मुख्य शब्द, अच्छा इस पाठ में कौन से मुख्य शब्द आए? जल विद्युत, औष्णिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूगर्भीय ताप। अच्छा इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछूंगी, इसका उत्तर आप लोग देंगे। निम्नलिखित कार्य करने के लिए किस संसाधन का उपयोग किया जाएगा? रोहन पतंग उड़ाना चाहते हैं, पतंग उड़ाने के लिए कौन सी ऊर्जा का उपयोग रोहन करेगा बताओ? हवा का, पवन ऊर्जा का उपयोग करेगा, वेरी गुड। आदिवासी गांव के लोगों को ठंड से बचाया जाना चाहिए, ठंड से बचाने के लिए क्या करना चाहिए आदिवासी लोगों के लिए? वहां पर सब जगह सौर ऊर्जा से बने वाटर हीटर का उपयोग किया जा सकता है। पिकनिक में खाना बनाना, जब पिकनिक में हम लोग जाते हैं तो खाना बनाने के लिए लकड़ियां आसानी से उत्पन्न होती है, या विद्युत से चलने वाली जो उपकरण होते हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। सलमा को कपड़ों को इस्त्री करनी है, सलमा को कपड़ों को इस्त्री करनी है तो एक इस्त्री की उपयोग करना है और वो विद्युत से चलने वाले उपकरण हो सकते हैं या सौर इस्त्री हो सकती है। रेलवे इंजन शुरू करना, रेलवे इंजन शुरू करने के लिए रेलवे इंजन वो इलेक्ट्रिक से विद्युत से चलने वाला इंजन हो सकता है या कोयले से चलने वाला इंजन हो सकता है। स्नान के लिए गर्म पानी, स्नान के लिए अगर हमें गर्म पानी करना है तो सोलार वाटर हीटर का उपयोग कर सकते हैं या प्राकृतिक गैस मतलब कि रसोई गैस का उपयोग करके स्नान के लिए पानी गर्म किया जा सकता है या फिर लकड़ी को जलाकर स्नान के लिए पानी गर्म किया जा सकता है। सूर्यास्त के बाद घर में प्रकाश प्रदान करना मतलब अंधेरे में
रात में जब हम घर में लाइट चलाते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे हमने देखा था सिलेंडर में एक बत्ती लगी हुई है, रसोई गैस एलपीजी गैस का उपयोग करके हम लोग बत्ती जलाया सकते हैं, या विद्युत बायोगैस से बायोगैस का प्लांट लगाकर उससे भी हम घरों में बत्तियां जला सकते हैं। इसके बाद सारांश, आज जो हमने पाठ पढ़ा इसका सारांश क्या है? ऊर्जा संसाधनों को कई मायनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से पारंपरिक, अपारंपरिक, कार्बनिक, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सामग्री प्रक्रिया आधारित आदि पर आधारित है। ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके निम्नलिखित प्रकार की बिजली उत्पन्न की जा सकती है: पवन ऊर्जा, थर्मल पावर, परमाणु ऊर्जा, भूगर्भीय ताप ऊर्जा आदि। ऊर्जा स्रोतों का उपयोग सीधे थर्मल पावर उत्पादन के लिए करना होगा। यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। नमस्कार मैडम।